डॉक्टर शर्मा, तुम्हें जीवा को खत्म करना है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछो। आपने एक डॉक्टर को जल्लाद बनाने के बारे में कैसे सोच लिया? इसलिए कि दुनिया में हजामों डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जिनके हाथों में उस्तरा होने के बावजूद भी हंसकर लोग उनके सामने गर्दन झुका देते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। बैठ जाओ डॉक्टर। वक्त नहीं, हम तुम्हें रुपया देंगे। मेरे हिसाब से जीवा का टाइम पूरा हो गया है, अब और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। ना, ना, ना। मैं बच्चे को यही जन्म दूंगी। डॉक्टर शर्मा से कहना कि बच्चे के नाभि इस कैंच से काटें ताकि मां बेटे दोनों के जिस्म में जहर एक साथ फैल जाए। हे भगवान, जीवा पे दया करना। सर, जीवा को बेटा पैदा हुआ। बेटा। रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा अच्छा बेटा है। हाँ, रोना नहीं। शाबाश शाबाश बेटे। डॉक्टर साहब, हमारी यह रस्म है, नाभि तीर से काटी जाती है। जहर है कि नहीं? बोल। भगवान का दूसरा रूप होती है मां, और मां का दूसरा रूप होता है डॉक्टर,
और तूने तो उस मासूम को बेटा भी कहा था ना, उसके बाद भी इतना हरामी पर। धर्मा, अपना कर्म कर दिया, अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आप आइए मेरे साथ।